देख रहे हैं द फैक्ट फ्लैश न्यूज़, मैं हूं मनोज शर्मा। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल की। आज ही के दिन 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इस 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो चर्चा का विषय बने हैं। आज हम 7 साल के उनके इस कार्यकाल के 7 ऐसे निर्णयों पर चर्चा करेंगे जिसका सीधी असर देश की जनता पर रहा था। उसके पहले आज के दिन भर की कुछ सुर्खियों पर नजर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे समुद्री चक्रवात यास की, तो बंगाल और उड़ीसा में इसकी असर देखी जा रही है। बंगाल के कई इलाकों में अभी फिलहाल तेज बारिश भी शुरू हो गई है और जो कई इलाके हैं वहां पर पानी भी भर रहा है। चक्रवात यास जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, कहा जा रहा था कि 26 तारीख को ये समुद्री तट से टकराएगा और आज बंगाल में इसकी असर भी देखी जा रही है। दूसरी ओर बात करें तो किसान आंदोलन को आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान आंदोलन आज काला दिन मना रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, जगह जगह पर वो अपना विरोध भी बता रहे हैं। जिस तरह किसानों को लेकर भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं उस कानून का विरोध किसान संगठन कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से वो आंदोलन पर हैं। दिल्ली की सरहदों पर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी अलग अलग मांगे हैं और उन मांगों को लेकर सरकार से पहले भी वो वार्तालाप कर चुके हैं। कई दौर की वार्ता विफल रही है और आज भी किसान इस आंदोलन चला रहे हैं और आज वो काला दिन मना रहे हैं। अपने अपने घरों में काला झंडा लहराकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो बाबा रामदेव जो एलोपैथी को लेकर जो विवादित बयान दिया था वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव ने अपना बयान तो वापस ले लिया है मगर एलोपैथी को लेकर जो 25 सवाल उन्होंने पूछे हैं उसको लेकर भी एलोपैथी पद्धति से जो प्रैक्टिस करते हैं वो डॉक्टर काफ़ी नाराज हैं। IMA जो एलोपैथी डॉक्टरों का बड़ा समूह है उनकी ओर से भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी शर्त के बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी चाहिए अन्यथा उन्हें कानूनी राह पर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और यहां तक कहा गया है कि बाबा रामदेव ने यदि माफ़ी नहीं मांगी तो उन पर 1,000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी वो दर्ज कर सकते हैं। जिस तरह की ये सारी ही खबरें हैं उसके बीच सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कार्यकाल के 7 साल पूरे हो गए हैं। भारत ने काफ़ी सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार देखी थी 2014 में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की ये सरकार बनी थी और कई सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत ने देखी थी। उस पूर्ण बहुमत की सरकार के आने के बाद ऐसे निर्णय भी देखे गए जो एक मजबूत सरकार लेती है। सबसे पहला जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था वो था नोटबंदी। नोटबंदी की बात करें तो दिन था 28 सितंबर और रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधन किया था और देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। 500 और 1,000 की जो नोट थी उसे बंद कर दिया गया था। जिस तरह का ये निर्णय लिया गया था अपने आप में ये बहुत बड़ा निर्णय था। भारत की अर्थनीति को सीधा इससे असर होनी थी और हुई भी। जिस तरह से इसके फायदे गिनाए जा रहे थे इसके नुकसान भी काफ़ी रहे और अभी इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसके बारे में खुद सरकार भी बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल की दूसरी बड़ी घटना जो उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था वो था सर्जिकल स्ट्राइक। 28 सितंबर का वो दिन था और जिस दिन भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था और उसी रात भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उरी हमले का बदला लिया गया था और इस निर्णय की भी काफ़ी सराहना हुई थी, काफ़ी विवाद भी हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा भी बना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल की तीसरी सबसे बड़ी घटना और तीसरा सबसे बड़ा निर्णय वो था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देश में एक ही तरह का टैक्स घोषित किया गया था और जिस तरह से ये 1 जुलाई रात को 12 बजे इसका ऐलान किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया था। ये तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था जिसकी असर आम जनता को सीधे सीधे हुई थी। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल में उनका जो चौथा सबसे बड़ा निर्णय, जो सबसे बड़ा विवाद भी बना था और काफ़ी चर्चा में भी रहा था, वो था 3 तलाक। 3 तलाक का जो फैसला लिया गया था उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रही है इन 7 सालों में। इन 7 सालों में 7 निर्णय की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक निर्णय ये भी है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, उसे 2 भागों में बांट दिया गया था। और ये जो निर्णय था ये भी काफ़ी विवाद में भी रहा था, काफ़ी चर्चा में भी रहा था और भारत सरकार के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो वो स्ट्रांग निर्णय लेते हैं, उसमें भी इसका एक समावेश होता था। ये मुद्दा भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी विवाद में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो निर्णय हैं, जब उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक निर्णय ये भी था कि एयर स्ट्राइक किया जाए। एयर स्ट्राइक, पुलवामा हमला हम सभी को याद है और पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक किया था और 2019 में ये निर्णय भारत सरकार की ओर से लिया गया था। इस निर्णय को भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया था, भारत ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। हालांकि ये मामला भी काफ़ी विवाद में रहा था। वर्ष 2020 की बात करें तो भारत सरकार ने एक निर्णय CA और NRC को लेकर भी लिया था और ये निर्णय भी काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी बोल्ड निर्णय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पूर्ण बहुमत की ये सरकार है और इस सरकार ने जिस तरह के निर्णय लिए हैं वो भी काफ़ी बोल्ड हैं और इसमें CA NRC का जो एक मुद्दा था वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था, काफ़ी उसके लिए विरोध भी हुए थे, देश भर में उसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। हालांकि आज तक वो लागू नहीं हो पाया है, मगर ये जो निर्णय लिया गया था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से उन्होंने काफ़ी अलग अलग और बड़े निर्णय लिए हैं और वो निर्णय सीधे जनता से जुड़े होते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी का ऐलान करने से सीधे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ी थी, लोग कतारों में खड़े हो गए थे, उसके काफ़ी फायदे गिनाए जा रहे थे, काफ़ी नुकसान भी गिनाए जा रहे थे, मगर अभी तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं आया है कि क्या हमें फायदे हुए और क्या हमें नुकसान हुए। भारत सरकार ने एक निर्णय बैंकों को लेकर भी लिया था, इसकी असर भी सीधी हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़नी थी। भारत में जो अलग अलग बैंक हैं उन्हें एक यानी विलय करने का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया था वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था और ये निर्णय भी वर्ष 2020 में लिया गया था, जिसमें काफ़ी बैंकों को विलय कर दिया गया था और ये निर्णय की असर भी सीधी भारत की जनता को सीधे सीधे हुई थी। इसके अलावा भी भारत सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका विरोध भी हुआ है, जिसका समर्थन भी हुआ है। भारत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उस पर भारत की जनता पर सीधा उसका असर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके काफ़ी ऐसे जो विचार हैं जो जनता के बीच में उन्होंने रखे हैं, काफ़ी जनता उसे पसंद भी करती है, काफ़ी नापसंद भी करती है और उसमें से एक मन की बात भी है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। एक समय ये भी आता है जब प्रधानमंत्री का मन की बात में भी युवा विरोध कर देते हैं। सरकार कोई भी हो, जब वो अच्छा करती है तो उसे समर्थन मिलता है, जब उसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो लोग सरकार को कमियां बताते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। इन 7 सालों में आपने भी देश के बारे में क्या सोचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है उसको आप किस तरह से देखते हैं, आप इसके मामले में भी हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं।